नमस्कार, मैं कविता अग्रवाल आपके अपने शो कविता द शेफ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ग्रिल सैंडविच बनाऊंगी जो बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट डिश होती है और बहुत ही जल्दी भी तैयार हो जाती है। इसको बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चार ब्राउन ब्रेड ले लिए मैंने, चार ब्राउन ब्रेड के पीस हैं, 2 टेबल स्पून मेयोनीज, 1 छोटी चम्मच हर्ब्स होते हैं, इटालियन हर्ब्स जो होते हैं उसका मिक्सचर ले लिया है, थोड़ा सा बटर, 1 चीज़ क्यूब प्रोसेस चीज़ है जिसको हम ग्रेट करेंगे अभी, और वेजिटेबल्स में 1 शिमला मिर्च, थोड़ी सी पत्ता गोभी, 1 प्याज और थोड़ी सी बीन्स, करीबी 5 या 6 बीन्स हैं, और 1 गाजर। इसको सबसे पहले हम चॉप कर लेंगे। जब तक हम ये अपनी ग्रिल सैंडविच का जो टोस्टर है इसको ऑन कर देते हैं, ये गर्म हो जाएगा। इसमें आप गार्लिक आप चाहें तो डालिए, नहीं आपकी इच्छा है तो आप गार्लिक अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स चॉप्ड हो गई है। अब इनको हम एक बोल में निकाल लेंगे। कोई भी गेस्ट हमारे घर में आ जाए अचानक तो ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है, तो इसको हम बना सकते हैं। ये देखिए हमारी सब्जियां चॉप हो गई हैं। अब इसमें हम मेयोनीज डाल देंगे, नमक डाल देंगे, काली मिर्च, इटालियन हर्ब्स और 1 क्यूब प्रोसेस चीज है उसको हम ग्रेट कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें आप अगर थोड़ी स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें आप ब्रेड के एक स्लाइस पे चटनी भी लगा सकते हैं, तो वो थोड़ा इंडियन टेस्ट आ जाता है, थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। लेकिन प्रॉपर अगर हमें सैंडविच बनाना है, ग्रिल सैंडविच, तो इसका प्रॉपर मेथड यही है। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है मिक्सचर। अब इसको बटर लगाएंगे, ये देखिए बटर लगा दिए। आप चाहे तो बटर अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप थोड़े कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आप बटर अवॉइड कर सकते हैं, बिना ब्रेड के भी बहुत टेस्टी बनती है। अब इसमें इस तरह से पूरी सैंडविच में हम इसको स्प्रेड कर देंगे। मिट्टी हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें सैंडविच लगा देंगे। आपने देखा होगा कि इसकी तैयारी में 2 मिनट भी नहीं लगे हैं, तो अगर आप थोड़ी सी तैयारी इसकी चॉप करके वेजिटेबल्स पहले से रख भी लेंगे तो आप 5 मिनट में किसी भी गेस्ट को ये सैंडविच सर्व कर सकते हैं। हमारे अब सैंडविच 5 मिनट में सिक जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। ये सैंडविच हमारे तैयार हो गए हैं।
इसको स्मूथली से आप ट्रायंगल शेप में काट लीजिए। ये देखिए देखिए हमारे ग्रिल सैंडविच तैयार हो गए हैं। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप कैसा लगा ये ग्रिल सैंडविच, आप बनाइएगा जरूर। और अपने अनुभव या कोई क्वेरीज है तो kavitadashef@gmail.com में भेज सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।